दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबर में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 20 बड़ी खबरें हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, सभी राज्यों के भाई बहन पूरा देख लेना। यहाँ पर नई शिक्षा नीति के तहत आपके प्री प्राइमरी में नर्सरी टीचर बनने के लिए जो आंगनबाड़ी बहनें से जुड़े हुए आपके सवाल हैं उनमें से कुछ और जवाब लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को काफी कुछ यहां पर जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं खबर की तरफ, बाकी मानदेय की भी समस्याएं रहती हैं वो भी बता देंगे। ये देखिए, नौनिहालों के लिए सोलर कुकर में पकेगा खाना। जी हाँ, ये भी एक जानकारी निकल के आई है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के तहत ये सब कुछ होगा। कहां होगा वो भी बता देते हैं। आप सब भाई बहन वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक एक करके सभी जगह की मैं खबरें आपको दिखाऊंगा, इसमें भर्ती से जुड़ी हुई जानकारियां भी हैं। और यहां पर आपको बता दें, व्यवस्था हो चुकी है, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत हो रही है तैयारियां। ये रुड़की में खबर छपी है, रुड़की यानी जो है आपके उत्तराखंड में पड़ता है, तो वहां से ये खबर है। रुड़की में बाल विकास परियोजना ग्रामीण प्रथम के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर सोलर लगाया गया है। ये आप सोलर कुकर है, आपको बता दो, इस सोलर कुकर की मदद से यहां पर खाना पकाया जाएगा। अभी आपने गैस वाले कुकर देखे होंगे, सब कुछ देखा होगा, लेकिन अभी आप सोलर कुकर भी देख सकते हो। आगे बता दें इसमें लिखा क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र में अब सोलर कुकर से हार्ड कुक्ड जो फूड है वो बनाया जाएगा। रुड़की ब्लॉक में संचालित तीनों परियोजना को एक एक सोलर कुकर दिया गया है। और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत आंगनबाड़ी जो है प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में सोलर कुकर लगवाए जा रहे हैं, तो पूरे उत्तराखंड में लगेंगे। मैं आपको बता दूं पूरे उत्तराखंड में लगेंगे, लेकिन अभी जो है प्रत्येक परियोजना में जो है एक ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र का चयन किया गया है जहां पर आने वाले 3 से 6 साल तक के बच्चों की संख्या 12 से 14 है। इस योजना के तहत रुड़की ब्लॉक में संचालित बाल विकास परियोजना ग्रामीण प्रथम, ग्रामीण द्वितीय और शहरी में सोलर कुकर आ गए हैं। ग्रामीण प्रथम परियोजना की ओर से आंगनबाड़ी केंद्र जो है खुंडे वाली, ग्रामीण द्वितीय परियोजना ने आंगनबाड़ी केंद्र सातरन सा ऐसे लिखा हुआ है, सोलर कुकर वहां पर ये लगाए गए हैं। साथ ही बाल विकास परियोजना प्रथम के बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है CDPO देव सिंह, उन्होंने बताया है कि जो है आंगनबाड़ी केंद्र खुंडे वाली में सोलर कुकर लगाने के बाद इसका ट्रायल किया गया है। अभी तो कोरोना वायरस के कारण केंद्र बंद है, इसीलिए केंद्र में पंजीकृत नौनिहालों को प्रतिमाह 25 दिन का कुक्ड फूड वगैरह सूखे राशन के तौर पर जो घर में दिया जा रहा है। इस बाल विकास परियोजना ग्रामीण द्वितीय के CDPO हैं धर्मवीर सिंह, उन्होंने बताया कि सोलर कुकर का प्रयोग किए जाने का प्रशिक्षण उरेडा विभाग से समन्वय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका को दिया जाएगा। वहीं बाल विकास परियोजना शहरी के जो है CDPO ज्ञानेंद्र सिंह है, उन्होंने बताया कि जल्दी शहरी परियोजना में भी सोलर कुकर लगवा दिए जाएंगे, ऐसा जानकारियों में आ रहा है। साथ ही आपको और बता दें, देखिए बच्चों की पाचन क्रिया होगी बताया जा रहा बेहतर। यहाँ पर बाल विकास परियोजना प्रथम की सेक्टर हीराहेड़ी वगैरह लिखा हुआ, वहाँ की सुपरवाइजर है ऋचा गर्ग ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र खुंडे वाली में सोलर कुकर लग गया है और इस पर खाना भी तैयार किया गया है। उनके अनुसार सोलर कुकर में खाना पकाने से जहाँ बच्चों की जो है पाचन क्रिया जो है वो बेहतर होगी, वहीं ईंधन की भी बचत होगी। इस परियोजना में इतने केंद्र हैं, यानी बाल विकास परियोजना ग्रामीण प्रथम में 417 आंगनबाड़ी केंद्र हैं एवं ग्रामीण द्वितीय में 241 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जबकि शहरी परियोजना में 145 केंद्र हैं। तो यहां पर जानकारी आ रही है उत्तराखंड के रुड़की से कि वहां पर सोलर कुकर दरअसल लगाए जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत। ये जो खबर है हमारे पास, ये भाई है उन्होंने भेजा है, नाम वगैरह उन्होंने अपना नहीं डाला है। साथ ही ये भी आप देख लीजिए, सरकारों की नीतियां, यहां पर 125 सांसदों ने बनाया है जनसंख्या समाधान का संगठन और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया है। इसमें बात ऐसी है कि तीसरे बच्चे पर माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं दी जाए, चौथे पर 10 साल की सजा भी हो जाए। यानी दो बच्चे हैं तब तो ठीक है, अगर तीसरा बच्चा हो जाएगा तो आपकी नौकरी भी जाएगी, नौकरी मिलेगी भी नहीं। साथ ही अगर आपने मान लिया चौथा बच्चा पैदा कर दिया तो आप लोगों को 10 साल की सजा भी हो जाएगी। देश में एक नागरिक दो बच्चों का कानून ये लागू होने की तैयारियां चल रही हैं। ये खबर 100% सत्य है और इसको मैं ये बस यही कहना चाहूंगा, इंतजार करो, आगे जब ये लागू होगा तो बताया जाएगा। बाकी इसमें यही सब कुछ है कि जो भी दो दो बच्चे वाले हैं वही नौकरी के हकदार रहेंगे, जिसका 3 बच्चा होगा वो यहां पर नौकरी के हकदार नहीं रहेंगे। अब जरूरत यह है कि ये कब से सरकार जो है यहां पर टाइम ऑफ पीरियड को लेकर के चलती है। यदि मान लीजिए अभी जब लागू होगा तब से, 2020 में मान लीजिए लागू हो गया या 21 में तब से होगा, या फिर 2001 से अगर ये रख देते हैं तो एक के बाद जितने
जितने भी लोग होंगे क्या उनकी नौकरी छीन ली जाएगी, क्या सरकार नौकरी छीनने को लेकर के ये एक जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है हवाला देकर के लेना चाहती है। यदि ऐसा है तो खुद मालूम हो जाएगा। देखिए लागू हो तो 20 या 21 से लागू हो, क्यों? क्योंकि जब लागू हो उसके बाद से यदि कोई 3 बच्चे पैदा करे तब आप जो है यहां पर दिक्कत खड़ी करें। लेकिन पहले यदि कह दो कि 2001 से ये चीजें लागू कर दी जाएंगी, एक के बाद जिन्होंने 3-3 बच्चे पैदा किए हैं उनको नौकरी नहीं दी जाएगी, उनकी नौकरी छीन ली जाएगी, यदि ये सब होता है तो सरकार की गंदी नीतियां बोली जाएंगी। क्योंकि पहले तो ये कानून नहीं था, किसी को पता नहीं था, लेकिन यहां पर जब से लागू हो तब से चीजें आजमाई जाए। आगे चलते, संविदा कर्मी 3 दिन नहीं करेंगे काम। ये 26 तारीख को ये छपा है आपका पटना बिहार में, खबर छपी है। मैंने इस चीज को लेकर के आदेश भी यूनियन का दिखा दिया था कि आपका 1 सितंबर से लेकर के आपके 3 सितंबर तक यहां पर आप देख भी सकते हो सामूहिक अवकाश पर यानी हड़ताल पर बहने रहेंगी। इसके बारे में मैंने आपको यूनियन का आदेश भी बहनों पटना से दिखा दिया था बहुत पहले ही। आगे देखिए, सुधारों के साथ सियासत को भी जो है साधने की तैयारियां सरकार कर रही है। अब नई शिक्षा नीति के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत और बता दें, पहले ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। जो नीति में छात्रों और शिक्षकों के फायदे क्या हैं ऐसा पेपरों के अनुसार बताया जा रहा है। इसमें लिखा है कि जो है यहां पर प्री प्राइमरी की शुरुआत इसमें छोटे बच्चों को गांव की आंगनबाड़ी में ही पढ़ाया जाएगा। आंगनबाड़ी के लिए भवन बनाए जाएंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी शिक्षक जैसा प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी देश में करीब 19 लाख आंगनबाड़ी है, तो देश की बात की जाए यानी पूरे देश में हर एक राज्य में आपकी नई शिक्षा नीति लागू होगी। अब ऐसे में और बता दें, आंगनबाड़ी बहनों आपको ही मौका मिलेगा, आपको ही प्रशिक्षण मिलेगा, लेकिन मानदेय की जगह वेतन मिलेगा या मानदेय मिलेगा या बढ़ेगा इस पर सरकार ने किसी भी राज्य में अभी कुछ कहा नहीं है, तो हम भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात और है, बहुत सी बहनों का एक सवाल है कि भैया मैं बीए पढ़ी हूं, कोई कहती भैया मैं बीएससी किए हूं, भाई कोई कहती भैया मेरे पास बीएड की भी डिग्री है। तो अलग अलग डिग्रियां सब लेवल पर आंगनबाड़ी बहने हैं, जिनमें हमारी कोई 8वीं भी पास है, कुछ 10वीं पास है, कुछ जो है यहां पर बढ़िया बढ़िया जो पढ़ाई भी किए हुए है। तो ऐसे में हम आप उनको बताना चाहूंगा, फर्क नहीं पड़ता आप ग्रेजुएशन है या आप उससे भी अच्छा है, अच्छे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग को लेकर के आपकी जो योग्यता है वो 10वीं और 12वीं के आधार पर है। यानी अगर आप 10वीं पास हो तो आपको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, यदि आप 12वीं पास हो या 12वीं से ऊपर चाहे जितना पढ़े हो आप, कुछ भी डिग्री डिग्रा हो आपके पास, वो सिर्फ बहनों आप लोगों को 6 महीने की तब भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 1 साल की ट्रेनिंग उनको जो 10वीं तक पास है और जो 12वीं पास है या 12वीं से ऊपर पास है उनको मिलेगी 6 माह की ट्रेनिंग। ये यहां पर रूल है, साथ ही नंबर अंबर को लेकर के पता नहीं। और मान लीजिए यदि कोई ऊपर पढ़ा है तो उसका फायदा ये होगा, भाई ऊपर तक आपने पढ़ाई की है तो जाहिर सी बात है आप कक्षा 8 वाली पढ़ी वाली बहनों से काफी ऊपर हो, तो ऐसे में आप लोगों को तो काफी मौका मिलेगा ही। और जगह जगह पर जब ट्रेनिंग होगी, प्रशिक्षण होंगे, उसमें भी आपको आपकी योग्यता के हिसाब से जो है कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, यहां पर और बता दे, एक मुद्दा और रहता कि भैया हमारे राज्य में जो है यहां से भी कुछ बता दो यहां पर होगा कि नहीं। देखिए हर जगह होगा नई शिक्षा नीति, टेंशन मत लीजिए, हमारे पास जहां जहां से भाई बहनों के जरिए खबरें आती हैं मैं उन पर चर्चा करके आपको बताता हूं। ये देखिए हमारे पास एक और आया, उन्नाव से है और शकुंतला बहन है, उन्होंने भी भेजा है इसी के बारे में। साथ ही एक मैसेज सचकला शर्मा बहन का है, उन्होंने भेजा है, उनके वहां पर दरअसल सर्विलांस जो टीमें हैं उनका काम चल रहा है, हर जगह ये काम चल रहे हैं, कोविड ग्रुप बनाए गए हैं और उन्हीं में जो है आप लोग घर घर जाओ और ये सब कुछ वगैरह करो। एक प्रारूप भी बहन ने भेजा है, हम प्रारूप आपको दिखा देते ताकि आपको समझ आए बहन ने क्या भेजा है। ये कोविड-19 सर्विलांस टीम की दैनिक रिपोर्ट है, ऐसे भर के जाती है। परियोजना विकास खंड का नाम है, भ्रमण करने वाले अधिकारी का नाम है, सर्विलांस टीम के सदस्यों का नाम है और सर्वे कार्य में उपस्थित टीम सदस्यों का नाम, आज सर्वे किए गए घरों की संख्या, सर्वे के समय बुखार के रोगियों का नाम, सर्वे के समय श्वास संबंधी रोगी का नाम, सर्वे के समय मधुमेह संबंधी रोगी का नाम, सर्वे समय उक्त रक्तचाप संबंधी रोगी का नाम, टिप्पणी भी यहां पर ऐसे लिखा हुआ है। ये ऐसे कालम है, ये रिपोर्ट बना बना करके जा रही है। आगे बता दें, ये देखिए अब आए हैं मेन पॉइंटों पर। ये देखिए अग्रिम आदेशों तक भर्ती नहीं, ये लगा दी गई है रोक। और ये है, भारतीय रेलवे ने बंद किए हैं रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे हैं। अभी आपने देखा था 1 साल पहले भर्ती आई थी रेलवे में, एनटीपीसी में 3 करोड़ के समथिंग फॉर्म पड़े थे, हम आपको बता दें 3 करोड़ 700 900 1000 1000 ऐसे फॉर्मों की फीस थी शायद। अब ऐसे बता दें कितना पैसा जमा हुआ था,
वो उनका कुछ भी नहीं हुआ, ना पैसा लाभ जो है हमारे परीक्षार्थी यानी बच्चों का, गरीब बच्चों का वापस किया गया जनता का, वो भी दबा गए रेलवे वाले। अब आगे कह रहे हैं कि भर्ती रोजगार वगैरह भी नहीं दे पाएंगे अग्रिम आदेशों तक, तो सपने लोगों के टूट रहे हैं नौकरियों को लेकर के। खास तौर पर हमारी राय यह है कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए, कुछ करिए, जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि हमें सोच बदलनी होगी। बढ़ती यहां पर जनसंख्या और बेरोजगारी यही एक कारण है, ऊपर से सरकारों की नीतियां। आगे चलते हैं, देख लीजिए, और यहां पर लिखा है स्कूलों में स्थायी शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था जो कि बिहार के लिए था। यहां बिहार में मात्र 60,000 आंगनबाड़ी बहनों ऐसे शिक्षक हैं जो सरकारी हैं बिहार में, बाकी 4,00,000 जो है वो नियोजित शिक्षक हैं, यानी ऐसे ही जो है संविदा के तौर वाले शिक्षक हैं। तो हम आपको बता दें, ऐसे देखिए कहां पर क्या क्या है। 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन, हबीबगंज के बात जो है जबलपुरा को ठेके पर देने की अंतिम तैयारियां चल रही है। ऐसे जगह जगह के जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है, उन सबको सरकार ने बेच दिया है। साथ ही यही नहीं, बहुत सी और भी धरोहर है, स्थल है, उनको भी सरकार ने बेच दिया है। आगे बता दें, सरकारी बैंकों की संख्या 12 से 5 करने की तैयारी है। बैंकों का भी निजीकरण सरकार करने जा रही है, यानी बैंकों में भी पैसा रखना अब सेफ समझ लीजिए तो नहीं है। आगे देखिए, भारतीय रेलवे ने रोजगार के अवसर बंद किए तो लोगों के अपने टूट गए। 75 करोड़ में बिकेगा रेलवे स्टेशन, ये आप देख सकते हो, यहां पर जगह जगह से वही खबरें हैं। 16 जोन में रेलवे खत्म कर दिया गया है, 11,000 जो है यहां पर 40 जो पद हैं वो भी समाप्त कर दिए गए हैं, देख सकते हो। ऐसे जगह जगह ये आपका चक्रधरपुर है तो वहां से खबर आ रही है, ऐसे जगह जगह चीजें छपी है। आगे देख लीजिए, तीसरे बच्चे पर माता पिता को सरकारी नौकरी नहीं, चौथे पर 10 साल की सजा भी हो जाएगी। रेल मंत्री बोले है कि नौकरियों का जाना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। ये देख लीजिए, सब हम आपको दिखा रहे हैं सच्चाइयां। मैं आपसे कहता हूं कि बहनों, आप अपने ये फोटो जो आती है ना गतिविधियां मनाने की, ये इनको कम करो तो हम आपको बहुत कुछ दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं। रेलवे की आधी नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश ये देख लीजिए निकला है। रांची यानी झारखंड में भी वही चल रहा है, तो जगह जगह यही सब होने से काफी परेशानियां हैं। और दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 जो है डिवीजन से 3,681 पद वहां पर भी जो है समाप्त किए जा रहे हैं, झारखंड रांची में ये यहां पर निकला है। और यहां पर लिखा है रेल डिवीजन को 100 पोस्ट सरेंडर वगैरह का आदेश वगैरह है। तो ये देख लीजिए, विदेशी चलाएंगे प्राइवेट ट्रेनें, सब कुछ बेच बेच करके कोई विदेशियों को जो है सौंपा जा रहा है, कुछ जो है यहां के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को सब बेच दिया गया है। अब आप देखिए, ट्रेनें वगैरह विदेशी लोग चलाएंगे। साथ ही अब केंद्र सरकार देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग बेचकर 40,000 करोड़ रुपया एकत्र करेगी, यहां तक कि सड़कों को भी सरकार नहीं छोड़ने वाली, ये भी बेचने के लिए बताया जा रहा है। नई दिल्ली से एक खबर छपी थी, एसएससी ब्यूरो वालों की तरफ से जानकारी आई थी। तो आगे देखिए, ये भी एक छपी थी खबर, ये अब 109 रूटों पर चलेंगी 151 जो है प्राइवेट ट्रेनें। प्राइवेट चीजें चलेंगी तो जाहिर सी बात है वो किराया ज्यादा लेंगे। बीच सत्र छोड़ी पढ़ाई तो नहीं मिलेगी प्रोत्साहन राशि, ये खबर आई थी आपके उदयपुर से, देख सकते हो नवज्योति वालों की तरफ से। साथ ही और बता दें, निजी कंपनियां चलाएंगी पैसेंजर ट्रेनें, भारतीय रेलवे ने बंद किए रोजगार के अवसर, युवाओं के सपने टूटे, 2 से अधिक बच्चे हुए तो नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, ये एक खबर और छपी थी, लखनऊ से छपी थी। तो यहां पर जनसंख्या नियंत्रण कानून सरकार लाने वाली है, उसमें हम यही चाहते हैं कि सरकार जब से सुनाए फैसला उसी दिन से लागू करे, ना कि पिछले किसी सत्र से कि 2001 से 2004 से 2005 से। ये होगा तो सरकार की मंशा ये कहलाएगी कि वो नौकरियां छीनने के उद्देश्य से बहाना ढूंढ करके जनसंख्या नियंत्रण कानून लाई है और इसीलिए बहुत से लोगों को निकाल दिया, क्योंकि जो 3-3 बच्चे वाले होंगे, जब कानून आएगा यदि पहले से लागू कर देंगे तो जाहिर सी बात है निकाल दिया जाएगा। अब सरकारों की मंशा क्या है समय रहते पता चलेगी। रेखा बहन है, उन्होंने ये मुझे भेजा है, हम आपको बता दें, ये पोशाक राशि का पैसा बहन बांट रही है, फोटो भी भेजी है। हम आपसे कहते हैं बहनों, जब भी आप पोशाहार जो बांटो या पोशाक राशि का पैसा बांटो या THR में कुछ भी बांटो, XYZ जो भी आता है, जो भी बांटना है, उसकी फोटो जरूर ले लो और उसको थोड़ा बहुत सुरक्षित रख लो। साथ ही बता दें, देख लीजिए, बहन को कारण बताओ नोटिस आया था, बाल विकास परियोजना अधिकारी वैशाली से है, राधोपुर वारा से सेविका श्रीमती रेखा कुमारी, केंद्र संख्या 62 है, पंचायत मलकीपुर राधेपुर वैशाली से।
पोशाक राशि का वितरण नहीं करने के संबंध में स्पष्टीकरण बोल रहे हैं। तो अगर स्पष्टीकरण देना है, देखिए ये कह रहे हैं कि नहीं बांटेगा, ठीक है, तो हम आपसे यही समझाते हैं कि सबूत रखो। आप क्या करो, आप जब फोटो ली होंगी अपनी, फोटो को लेकर के स्पष्टीकरण में सभी लगा दो, ये देखो पैसे का वितरण किया गया है, तो आप इनको जो पता चल जाएगा। ये देख लीजिए 28-8 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जो है उपकेंद्र का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान आप केंद्र एवं पोषक क्षेत्र में अनुपस्थित पाई गई हैं। आपके केंद्र के पोषक क्षेत्र में पोशाक राशि का वितरण नहीं किया जा रहा था। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि सुधा दुग्ध चूर्ण वितरण नहीं किया जाता है। ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले लाभ वगैरह लाभ भी जो है आपके द्वारा नहीं दिए जाते हैं। क्यों ना इस लापरवाही एवं अनुशासनहीनता एवं आपके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई हेतु वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रतिवेदन दिया जाए। अतः पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण सभी साक्ष्यों के साथ में कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें। तो अब नौकरी जो रह गई है वो बहुत ही सोचने और समझने की रह गई है। यूं ही आप लोग ऐसे काम करती जाओगी तो वो काम किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जगह जगह पर सरकारों की मंशा दिखाई दे जाती है। शोषण के खिलाफ आप आवाज लगाओगी तो आपको ही फांसने की तैयारियां होंगी। घर घर जाकर के पुष्टाहार का वितरण किया गया है। ये देखिए खुर्द वगैरह से पेपर वगैरह में भी छपा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मंगलवार को जो है गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार का वितरण उन्होंने किया है। ये आप देख सकते हो, वहां से खबर छपी थी और हमारे पास सुमन लता बहन ने भेजा था। तो हम बहन यही समझा रहे हैं, हमारी ये जो बहन है जिन्होंने ये पोशाक राशि का वितरण किया है, अब हमें नहीं पता, मान लीजिए लेटर निकलने के बाद में आपने किया है, उसके बाद हमें फोटो भेजी है, तो उस मैटर से हमें लेना देना नहीं है। हम समझाना चाहते हैं सभी आंगनबाड़ी बहनों कि आप सब फोटो जरूर लो, विभागीय वाले ग्रुप है उनमें डालो, और साथ ही साथ हो सके तो अपने पास भी स्टोर कर लो, क्योंकि ये सरकारें इन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, और अधिकारियों पर तो बिल्कुल नहीं। काम भले ही करो, ये फिर भी किसी ना किसी बहाने से कुछ ना कुछ जो है करने की तैयारी में रहते हैं। काफी जगह तो लेटर ऐसे निकलते ताकि वसूलियां भी हो सके, कि नौकरी बचाने के चक्कर में थोड़ा बहुत पैसे का इनकम हो जाए। तो जो भी है उससे मुझे लेना देना नहीं है, मैं समझा रहा हूं कि आप काम करो अच्छा, और उसके साथ सबूत भी रख लो, अच्छा रहेगा। काम अच्छा होगा, लाभार्थी तो आपका खुशी रहेगा, लाभार्थी शिकायत करेगा नहीं यदि काम अच्छा है। और जहां कभी मानक के अनुसार चीजें नहीं मिलती है तो गलती आप लोगों की, कि आप सब बहने अपने ब्लॉकों पर उसका विरोध नहीं करती हो, बिल्कुल भी उठाओ मत करो भी चीज का यदि मानक के अनुसार नहीं है, क्योंकि यदि हर लाभार्थी को वो मानक के अनुसार नहीं मिलेगा तो ऊपर से ऐसे ही अधिकारी बाद में लेटर भी निकालेंगे कि जो भी लाभ आ रहा है आप उनको बच्चों तक पहुंचा नहीं रही हो, ग्रामीणों ने शिकायत की है, और वो तो खुले तौर पर बच जाएंगे। वो कहां, वो तो मौखिक रूप से जो कहते हैं सो कहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको, कुछ भी मिलता है लिखित में सरकार दे दे तब तो उनको बांटो, और जो भी है चीजें हैं उनको आप अपने दिमाग लगा करके थोड़ा नौकरी करो। धन्यवाद फिर दोस्तों।